आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी, बैंगन और मिर्ची के पकोड़े, जो शाम के टाइम चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार है। नमस्कार, मैं हूं मौसमी और मेरे चैनल सुमीज किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये सारे रेसिपीज पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके पास ही आप लोगों को एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी आप लोग दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं यूट्यूब पर कोई भी नया रेसिपीज का वीडियो अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। ये बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए पहले हम लोग बैंगन को कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए ऐसे पतले पतले स्लाइस करके हमने बैंगन को कट कर लिया है। अभी इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, सारे बैंगन में मैंने नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे से लगा लिया है। अभी इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और पकोड़े बनाने के लिए बेसन का बैटर रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बैटर के लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। अभी इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलौंजी या काला जीरा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक एकदम स्मूथ सा बैटर रेडी कर लिया है। आप लोग इसको जितने टाइम तक फेटोगे, उतने ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे हमारे पकोड़े। चलिए दोस्तों, अभी इस बैटर को हम लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस पर एक कढ़ाई बिठा दिया है। जब तक हमारा बैटर रेडी होता है, तब तक हम लोग पकौड़े के लिए ऑयल गर्म कर लेते हैं। जब तक ऑयल हमारी गर्म हो रही है, तब तक बैटर में हम लोग और एक चीज़ ऐड करेंगे, जिससे पकोड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने ले लिया है इधर एक इनो का पैकेट, इसका आधा ही यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऑयल भी हमारी गर्म हो चुकी है और बैटर भी अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो अभी चलिए हम लोग पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो दूसरे तरफ से हम लोग पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अभी इसको उठा लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट में टिश्यू पेपर ले लिया है। अभी इसमें एक एक करके सारे पकोड़े को उठा कर रखें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक एक करके सारे पकोड़े को, सारे बैंगन के पकोड़े को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये बैंगन के पकोड़े के साथ सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मिर्चियाँ भी ले लिया है। उसको भी थोड़ा सा ऐसे चीरा लगा देंगे और मिर्ची के पकौड़े बना लेंगे।
बैंगन के पकौड़े के साथ ये मिर्ची के पकौड़े खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये दोस्तों सारे बैंगन के पकौड़े को मैंने फ्राई कर लिया है और ऑयल से भी उठा लिया है, तो चलिए अभी मिर्ची के पकौड़े बना लेते हैं। आप लोग जब भी ये मिर्ची के पकौड़े बनाएं तो मिर्ची में एक एक मिर्ची में चाकू से एक एक ऐसे चीरा लगा लीजिएगा, नहीं तो ये पूरा फट जाएगा। तो सारे बैंगन के और मिर्ची के पकौड़े हमने बना लिया है, इधर मैंने एक सर्विंग प्लेट ले लिया है, तो चलिए दोस्तों अभी इसमें बैंगन के पकौड़े को और मिर्ची के पकौड़े को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने मिर्ची के पकौड़े और बैंगन का पकौड़े को सर्व कर लिया है। ये देखिए ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही यम्मी है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएगा कि आप लोगों को ये बैंगन और मिर्ची के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग इसको शाम के टाइम चाय के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और आप लोग तो देख ही सकते हो ये कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।